नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम पेचीदा आर्थिक मुद्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन साधारण भाषा में। नई सरकार जुलाई के पहले हफ्ते में अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर खबर अच्छी नहीं है। विकास की दर में लगातार गिरावट आ रही है। अगर वित्त वर्ष 2018-19 की बात करें तो पहली तिमाही में विकास दर 8% पर थी, दूसरी तिमाही में गिरकर 7% पर आ गई। गिरावट का ये सिलसिला जारी रहा और तीसरी तिमाही में ये 6.6% रही। चौथी तिमाही में ये और गिरी और ये 5.8% पर आ गई। यही हाल बेरोजगारी का भी है, जो कि पिछले कुछ दशकों के उच्चतम स्तर पर है। सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से निपटने के लिए हाल ही में 2 कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है। सरकार के ये कदम कितने कारगर साबित होंगे और बजट में सरकार को किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे अर्थनीति में। तो अर्थव्यवस्था में कैसे लाई जा सकती है तेजी और बेरोजगारी से कैसे मिल सकती है निजात, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज 2 मेहमान हैं। शंकर अग्रवाल, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, और साथ में हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर सुरोजित गुप्ता। स्वागत है आप दोनों का। आपसे शुरुआत करते हैं शंकर जी, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों हैंड टू हैंड रहते हैं, इनको कैसे रिवाइव किया जाए, कोई शॉर्टकट है क्या? मैम, शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि ग्रोथ, और जब ग्रोथ होगी, इकॉनमी में जब ग्रोथ आएगी तभी जॉब्स भी क्रिएट होंगे, तो उससे रिलेटेड। लेकिन ग्रोथ कैसे आएगी, उसके लिए एक डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी हमको, कि पीपल शुड हैव सम लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी इन देयर पॉकेट्स। अगर उनके जेब में कुछ पैसे हैं तभी तो सामान खरीदेंगे, चाहे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कुछ चीज़ खरीदेंगे। तो जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया। आइडिया इज बेसिकली कि जो लोन लोग लेते हैं वो लोन थोड़ा सस्ता हो जाए। तो लोगों के अगर लोन लेते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाते हैं, और उसकी वजह से लोगों के पास जॉब्स होते हैं, जॉब्स होंगे तो डिमांड होगी। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। तो मेरे ख्याल से जो आपका प्रश्न है कि जॉब्स वो ग्रोथ को हम कैसे लेके आए, हमें पहले देखना चाहिए कि अगर लो कैपिटल की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हम उसको किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, उसको हैंड होल्डिंग करके, उसकी मार्केटिंग में थोड़ा सहयोग उनको देके। उनको क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाग मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि हम उसको कहाँ बेचेंगे, मार्केट नहीं उनके पास। और मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो दैट वर्क कैन बी टेकन अप बाय बिग बिजनेस हाउसेज और बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडली क्या होता है क्वालिटी में, वो लोगों में मशीन अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिज़ाइन अच्छे नहीं है, उसके लिए भी सरकार को या सच बॉडीज क्रिएट करके हम उसकी मदद करें। एंड फाइनली आई वुड से कि ग्रोथ को चालू करने के लिए, जिससे किसानों को लाभ हो, लोकल लेवल पे लोगों को जॉब मिल सके, अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। अभी आपके आने से पहले मैं लंच में किसी से बात कर रहा था, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 200 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो गेहूँ पैदा हो रहा है या कोई फ्रूट हो रहा है, कोई वेजिटेबल हो रहा है, हम उसी को लें। तो अगर हम वहीं पर ले कर उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव अगर हम उसको मार्केट में बेच सकें, दिल्ली जैसी जगह में, बॉम्बे में, या जो भी टाउन है आस पास, तो उससे लोकल लोगों को जॉब मिल सकेगा, लोकल प्रोडक्शन का लाभ मिल सकेगा, एंड एक धीरे धीरे ग्रोथ आ जाएगी। यानी कि दूसरे देशों से भी सीखना बहुत ज़रूरी है, और छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत चेंज कर सकती हैं। सुरोजीत, ये बताएं कि जैसे कि उन्होंने भी बताया शंकर जी ने, मांग की कमी है, खासकर रूरल डिमांड जो है उसको कैसे बूस्ट किया जाए? देखिए, कई तरीके हैं इसके लिए। जो कृषि का दर है उसको उठाना पड़ेगा, फार्मर की इनकम्स को बढ़ाना पड़ेगा, और शंकर जी ने जैसा कहा कि फूड प्रोसेसिंग और ये कोल्ड चेन्स, ये जो सप्लाई चेन डेवलप करनी पड़ेगी रूरल एरियाज़ में, ताकि वहाँ मांग क्रिएट हो, वहाँ नए ग्रीनफील्ड फैक्ट्रीज बैठ सकें, प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठ सकें। और हम देखिए, अभी हम एक ट्रेड वॉर, ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरफ देख रहे हैं, तो हम नए नए मार्केट्स ढूंढ सकें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये सब है जो बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स लगेगा रूरल डिमांड को, ये ओवरनाइट नहीं होगा,
इसके लिए पॉलिसीज लाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इवन मल्टीनेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा टू डेवलप दिस एंटायर सप्लाई चेन, कोल्ड चेन एंड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज, तभी ये दाम बढ़ेगा। चलिए रूरल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगा, आराम से बात करेंगे, लंबी चौड़ी बातें होंगी उसकी। लेकिन अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। लेबर की हम बात करते हैं, आपका प्रिय सब्जेक्ट भी होगा शायद, आपने इस सरकार के साथ काम भी किया है। लैंड रिफॉर्म, ये लेबर रिफॉर्म्स कुछ हो सकते हैं क्या, कुछ हम बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं क्या? जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल है, कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब्स की ही बात कर ली जाए तो लेकर बैठना और मतलब एक आराम की वो एक कर लेना, और जो ट्रेड यूनियंस की भी अगर हम बात करें, वो सब फैक्टर्स को मिलाकर किस तरह से सरकार एक बैलेंस बना पाएगी और रिफॉर्म्स ला पाएगी? पहली बात तो आपने जो कहा कि क्या लेबर रिफॉर्म्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, पहली बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ विल पावर एंड लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी इन थिंकिंग प्रोसेस। और क्या समय आ गया है अब उसका? समय तो बहुत पहले आ चुका है, तो ऐसा नहीं है अगर हम अब नहीं करेंगे तो जो हम बात कर रहे हैं जॉब्स क्रिएशन की, शायद वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। लेबर में हम जितने लेबर लॉस बने हैं वो बने हैं लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर के भलाई के लिए। कि जैसे पहले 14-14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत हार्श होती थी और ख़राब होती थी। तो आइडिया ये था कि जो भी वर्कर है जहाँ भी काम कर रहा, चाहे लेडी हो चाहे जेंडरमैन हो, उसके लिए एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ थिंग उससे चालू हुआ। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे तो लेबर लॉज जो मान लो 30s-40s में बने थे या इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे या 70s में कुछ बने थे, वो एक उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बने थे। आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि आज जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी IT की वजह से, जो पहले हम बहुत सारा काम करते थे केवल एक छत के नीचे कि वहीं पे डिज़ाइन बनेगा, वहीं पे उसका प्रोटोटाइप बनेगा, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहीं पैकेजिंग होगी और वहीं से सेल के लिए निकलेगा, अब ऐसा नहीं होता है। हर काम थोड़े थोड़ी अलग अलग जगह होता है, नॉट ओनली अलग जगह पर होता है, अलग अलग देशों में होता है। अभी हम जैसे इसका मान लो एप्पल फ़ोन का ही एक एग्जाम्पल लें, इसका डिज़ाइनिंग हुआ सीएटल में, उसके बाद इसके जो अधिकतर जो हार्डवेयर वगैरह है वो मान लीजिए चाइना या ताइवान में बने, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं और बनाए, अल्टीमेटली पैकेजिंग कहीं पे होती है और मे बी सेल्स जो है वो हिंदुस्तान में होती है। तो कौन से लेबर लॉज कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे, दिस बिकम लिटिल डिफिकल्ट। सेकेंडली क्या होता है कि आज मान लीजिए मेरे पास वन मिलियन पीसेस के ऑर्डर हैं इस फ़ोन के, कल हो सकता नहीं हो, तो अगर मेरे पास वो ऑर्डर नहीं है तो मैं वर्कफोर्स का क्या करूँगा? तो देयर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहली चीज़ हमको ये देखना है कि ऑल दीज लेबर लॉज जो बने हैं ये वर्कर्स की भलाई के लिए बने हैं, और तीन तरह की भलाई चाहिए, तीन तरह की सिक्योरिटी चाहिए वर्कर को। एक सबसे पहले है वेज सिक्योरिटी। वेज सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि पूरे देश में कोई भी वर्कर कहीं भी हो उसको एक सर्टेन मिनिमम वेजेस मिलनी सुनिश्चित हमें करनी चाहिए अंडर लॉ, एंड दैट इज़ बीइंग डन। और वो उसको हम कोशिश करें लेबर कोड लाने के लिए कि वेज से रिलेटेड या वो वेज कोड है, वेज कोड से, वेज से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं वो सब उनके अंतर्गत में ले आएँ। और ये हम कहें कि पूरे देश में कोई भी वर्कर लेडी और जेंट्स हो उसको इतना मिनिमम मिलेगा, उसके ऊपर कुछ भी दे सके, नंबर वन। एक दूसरी सिक्योरिटी क्या चाहिए उसको, दूसरी सिक्योरिटी चाहिए तो सोशल सिक्योरिटी। यदि वो बीमार हो जाता है या हो जाती है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए सिस्टम। तो ये जो एक और प्लस एक कभी वक्त जरूर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसका फंड होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोग सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं EPFO एंड ESIC, इनको देना है। इसमें कुछ कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। एक तरफ तो कि बेनिफिट इसके हो सकता है वर्कर्स को ना मिले, उसको देखना है, और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि जो एम्प्लॉयर को, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए। हमें कोशिश करनी कि वो चीज़ें निकाल दें कि जो अननेसेसरली एम्प्लॉयर को डिस्करेज करती हैं टू इंगेज मोर एंड मोर पीपल, तो उसको देखना है। थर्ड सिक्योरिटी क्या चाहिए, सबसे जो कंटेंशियस इशू है वो है आपकी जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि एक बार किसी को जॉब मिल जाए तो उसको निकाला ना सके, ये नहीं था इंटेंशन कभी। इंटेंशन ये था कि अगर कोई आदमी को जॉब मिल जाए तो उसको विम्स एंड विशेष में नहीं निकाला जाना चाहिए कि आज मुझे उसका फेस अच्छा नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया, आज मैं किसी बात में नाराज़ हो गया तो उसको निकाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास एक सुरक्षा की एक कवच होना चाहिए जिससे कि वो ये कह सके कि अगर मैं काम अपना ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, अपना अच्छा काम कर रहा हूँ
और आपको काम की आवश्यकता है तो आप मुझे नहीं निकालेंगे, और साथ ही मुझे हर थोड़े थोड़े दिन पे, हर साल में मान लीजिए कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, हर 5 साल में मुझे कुछ प्रमोशन मिलेगा, एक जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है वर्कर क्यों होता है। तो ये तीन हम थे, और एक तरफ हम क्या करें, एम्प्लॉयर को हम ये फ्लेक्सिबिलिटी दें कि अगर उसके पास काम नहीं है तो वो उनको निकालो, नहीं चाहे डीहायर कर सके, उनको बोले कि ठीक है मैं आपको इतने महीने की सैलरी और देता हूँ, उतने दिन में आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए, नए स्किल्स आप ढूंढ लीजिए, नए स्किल्स आप एक्वायर कर लीजिए और दूसरी जगह पे करें। सो दैट एक सिस्टम बना रहेगा, हम किसी के विरुद्ध नहीं काम कर रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलजुल के हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द वर्कर, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है तो हमने ये भी देखा है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वहाँ पर अब ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हैं परमानेंट रोल्स पर नहीं रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रख देते हैं, कल को जॉब होना हो इसका भी एक खतरा रहता है, और तो ये हर्डल दूर करना ज़रूरी है। नहीं देखिए, जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि ये कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, एक तरफ एम्प्लॉयर्स के कंसर्न्स हैं, एक तरफ वर्कर्स के कंसर्न्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा ताकि हम दोनों के लिए एक कर सकें। और मुझे जो लगता है कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब से ये हम बात लिख रहे हैं कि लेबर रिफॉर्म्स आर द ऑब्स्टेकल्स टू इंडियाज ग्रोथ, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसको देखें, और लेबर इंटेंसिव अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाना चाहते हैं तो हमें ये लेबर रिफॉर्म्स करना ज़रूरी हो गया है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब से अभी बात हो रही थी, दो बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए थे पिछले मोदी सरकार में, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, तो मेरे ख्याल से लगता है कि इसलिए थोड़ा दिस लेबर रिफॉर्म्स ये एक बैकसीट चला गया था। अब मुझे लगता है कि अब कुछ प्रोग्रेस इसमें देखने को मिलेगा ताकि हम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ला सकें। और अगर लैंड की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी कंपनी शुरू करे तो पहले तो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पे लीगल हैसल्स होते हैं, तो क्या कोई लैंड का एक पूल बन सकता है जो सरकार इस चीज़ को देखे और फिर इस वजह से ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़े और फिर कैपिटल भी आए? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। क्या था कि पहले हम लोग लैंड को एक्वायर करते थे अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो पुराना एक्ट था वो बड़ा ड्रैकोनियन था। मैंने अपने करियर में पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड एक्वायर किया है, और एट द स्ट्रोक ऑफ अ पेन कि मतलब दस्तखत कर दिया और सब लैंड एक्वायर हो जाता था। बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया कि बड़ा हार्श काम था, हम बड़े लोगों की ज़मीनों को ले लेते थे। तो एक सिस्टम हमको एक अगेन जैसा अभी आपने कहा, बड़ा अच्छी बात कही सुरजीत ने कि एक बैलेंस हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा। हमको किसका इंटरेस्ट देखना है, फार्मर का इंटरेस्ट या लैंड ओनर का इंटरेस्ट, साथ में हमको किसका इंटरेस्ट देखना है, जो भी लैंड एक्विजिशन बॉडी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे हाउसिंग है, जो भी है। आइडिया ये होना चाहिए कि दोनों को डिसेंट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मिल सके, जिसने ऑलरेडी कर रखा अपना लैंड में उसको रिटर्न मिल सके। रिटर्न कैसे मिल सके, एक तो मार्केट वैल्यू है, एक अगर उसको ये हम कह सकें कि हम आपके बच्चों को इसमें जॉब दे सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप इस तरह के स्किल्स एक्वायर कर लें, तो उससे बहुत सारे लोग। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अंडर द लॉ लैंड अक्वायर ना करके थ्रू नेगोशिएशन हम खरीद सकें, और उसके लिए जो भी तब्दीली करनी हो किसी भी कानून में किसी में उसको हम कर सकते हैं। मान लीजिए 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें 90 एकड़ लोबा तैयार हो गया और 10 एकड़ नहीं कोई दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोकल पॉपुलेशन को एक कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, और जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि उनके बच्चों को अगर आप स्किल ट्रेनिंग दें उसी इंडस्ट्री के अंदर और उनको एम्प्लॉय कर सकें, तो मेरे ख्याल से विश्वास बढ़ेगा और लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑब्स्टेकल्स जो, वो खत्म हो जाएंगे। एक और मैं इसमें अपने अनुभव से बताऊँ, क्या होता है कि जब हम बात भी करते हैं ना कि उनको नौकरी देने की, तो हम किस तरह की नौकरी देते हैं, माली की नौकरी दे देंगे, कोई छोटा मोटा सिक्योरिटी किसी जॉब दे देंगे, जो हाईली अनस्किल स्किल, मतलब अनस्किल मीन्स अनस्किल, मतलब अगर हाईली अनस्किल उस तरह के जॉब देते हैं, उससे लोगों का जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक सेल्फ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट होती है कि कल तक तो मैं लैंड ओनर था एंड टुडे मैं एकदम प्यून की तरह से काम कर रहा हूँ, वो दैट फीलिंग इटसेल्फ जो है ना, वो उसको उस बीच में नहीं ला पाती है। आइडिया ये होनी चाहिए कि हम उसको ये कहेंगे हम आपको एक डिग्निफाइड वेल मीनिंग पर्पजफुल जॉब देंगे, लेकिन आपको इतने 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 1.5 साल में हम आपको स्टाइपेंड देते रहेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, बट देयर आफ्टर यू विल बिकम एन स्किल्ड वर्कर एंड देन वी विल एम्प्लॉय यू। मेरे ख्याल से अगर हम इस पर काम करें और सिंसियरली काम करें। एक और ये भी होता कि
लैंड एक्वायर कोई और करता है, उसके फैक्ट्री जो लगा था वो कोई और होता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर जैसे अभी आप लेबर और से लाते हैं, तो अगर हम सबको ऐसा एक विश्वास दिलाएं और सबसे बातचीत करें, तो मेरे ख्याल से बड़ा, तो सबको साथ लेने की बहुत ज़रूरत है। और छोटा सा ब्रेक चले यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए अर्थनीति। दो नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई हैं। सरकार का साफ नजरिया है कि रोजगार और विकास दोनों को बढ़ाना है। बजट में इसको लेकर क्या कुछ होगा, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। सुरजीत, ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एक तो क्लीनअप ऑफ द बैंक्स जो हैं, जो बैड लोन्स हैं बैंक्स के, वो काम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा और काफ़ी तेज़ी उसमें आई है बिकॉज ऑफ IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब तक आपके बैंक्स लेंडिंग नहीं कर पाएंगे तब तक ये आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल किक इन नहीं कर पाएगा। एंड इसके लिए शायद इंसेंटिव्स की ज़रूरत हो, बजट में हमको देखा, बजट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, उसके बाहर भी पॉलिसी डिसीजंस आएंगे। और ये दो जो कमेटी की बात आप कर रहे हैं, तो इट ये एक इंटेंट गवर्नमेंट का है कि टू सिग्नल दैट दे आर कमिटेड टू टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। ये दोनों जो बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, रिवाइविंग ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स की, तो मेरे ख्याल से कुछ कदम हमको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी काफ़ी कदम लिए गए हैं, उसके रिजल्ट्स नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और आगे और ज़रूरत है इस प्रोसेस को और एक्सेलेरेट करने की। लेकिन देखा गया है कि आज एक उद्योगपति को छोटा सेटअप चलाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है बजाय एक बड़ी फैक्ट्री चलाने के, जिस तरह के कई रूल्स हैं, या फिर अगर हम टैक्सेस की बात करें तो। नहीं मैम, आई वुड डिफर, बल्कि अनुभव तो अब ये कहता है कि बड़ी फैक्ट्री को चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि छोटे उद्योग धंधे को। वो इसलिए क्योंकि जो आदमी छोटा उद्योग धंधा चलाता है उसके पास इतने डीप पॉकेट्स ही नहीं होते हैं कि वो जो अभी बात हम लेबर लॉज की कर रहे थे, बहुत सारे टैक्सेशन के रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करना, उनको कंप्लाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये नहीं है कि द ओनली थिंग इज कि लेबर इंटेंसिव, अगर आप ये कहें कि लेबर इंटेंसिव काम के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते, वो इसीलिए क्योंकि जब लेबर इंटेंसिव होता है, जितने ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा लेबर प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी ज़्यादा लेबर प्रॉब्लम होंगी उतनी ज़्यादा कठिनाई हमको आ सकती है। और जैसे अभी मैं बताया था, बहुत सारे हमारे लेबर लॉज बड़े ड्रेकोनियन हैं, आर्केक हैं, आउटडेटेड हैं, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वो उस ज़माने में बने थे जब हम ये सोचते थे कि जो एम्प्लॉयर है वो मजदूरों को एक्सप्लॉयट करता है। अब ऐसी बात नहीं है, अगर मानिए मैं कोई एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो मैं क्यों एक्सप्लॉयट करूँगा अपने वर्कर को, मेरे वर्कर ही तो सब काम करके दे रहे हैं मुझको। नॉर्मली ऐसा कोई इंडस्ट्रीज अब नहीं चाहता है कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करे, लेकिन कानून ऐसे बन गए हैं बहुत सारे जिसको वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत पाता है, और ख़ासकर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। जहाँ तक कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे, ये तो हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा जिससे हर व्यक्ति को एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फिनेंस आसानी से मिल सके। अगर आप गाँव में जाएंगे तो किसी को मान लीजिए 50,000 रुपये का एक लोन चाहिए छोटा उद्योग कुछ खड़ा करने के लिए या छोटा काम करने के लिए, वो 10 साल कोशिश करता रहेगा, उसको एक पैसा नहीं मिलता आसानी से। आप बड़ी जगह जाएंगे तब भी नहीं मिलता है। हुआ क्या है, इन द प्रोसेस पिछले सालों में जिन लोगों के पास मसल पावर थी, मनी पावर थी या और इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से दे कुड गेट सम लोन, और चूँकि उनका इंटेंशन शुरू से ही ख़राब था तो बहुत सारे लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में निकल गए। हमको एक सिस्टम ये बनाना पड़ेगा कि देखिए, आप बिजनेस जब करते हैं तो कुछ बिजनेस नहीं चलेंगे, कोई बुरी बात नहीं, समाज में भी उसको बुरे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब वो लोन लेता है अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए या अपना जो भी काम चालू करने के लिए, इंटरप्राइज लगाने के लिए, ही शुड बी एबल टू गेट द लोन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम एंड विदाउट एनी हैसल। क्या होता है कि उसको लोन लेने में टाइम बहुत लग जाता है, 2-3-4 साल लग जाते हैं नंबर वन, एंड नंबर टू उसमें इतना हैसल है, उसके अंदर बहुत जगहों पर उसको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे बढ़ जाता है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको सॉल्व करना, बट इट रिक्वायर्स ह्यूज एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिएगा। तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो ये है कि बैंकर्स आजकल लोन देने में घबराते हैं कि कहीं एजेंसीज पीछे ना पड़ जाएं, और दूसरा ये भी है कि जैसे NBFCs हैं, 28 लाख करोड़ का उनका क्रेडिट बुक है अगर सबको मिला लिया जाए, तो ये क्राइसिस दूर करना कितना मुश्किल है या कितनी क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, उसके ऊपर रिजर्व बैंक का कल बयान आया है कि वो देख रहे हैं उसमें कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन
ये जो अग्रवाल साहब ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एक्सेस टू, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अब देखिए जैसे मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन काफ़ी अच्छा एक इंटेंशन है उसके पीछे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए, तो वो सब काम हो रहे हैं, लेकिन देर आर बॉटल नेक्स। अब देखिए बैंक, आपने कहा कि बैंकर्स अभी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को लेंडिंग करें, या बिकॉज दे माइट बी हाउंडेड बाई एजेंसीज, सो ये डर भी दूर करना पड़ेगा। सो आई थिंक जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, ये एक बहुत ही अच्छा साधन है इसको दूर करने के लिए। रिकवरी ऑफ बैड लोन्स अभी हो रही हैं, और इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यू नो एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को रहे, एक कॉन्फिडेंस जो लेंडर को रहे, सो दैट द लेंडिंग मशीनरी को हम जब तक नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगा। और ग्रोथ नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट की भी इशू रहेगी। अगर दोबारा एम्प्लॉयमेंट पर आएँ तो जैसे एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, तो सवाल उठता है कि पुलिस जो है वो सारे पुलिसमैन ओवर टाइम कर रहे होते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो पुलिस की नौकरियां क्यों नहीं भरी जाती? आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो टीचर्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ इशूज़ हैं, प्रिंसिपल्स नहीं हैं, अगर आप स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर टीचर नहीं है, तो ये सब HRD मिनिस्ट्री भी ये सब क्यों नहीं भरता है? मैम, ये सब चीज़ें गवर्न होती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के ऊपर। अगर मानी मैं कोई स्कूल चलाता हूँ तो मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं ज़्यादा टीचर लगाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टीचर लगाने पड़े। हुआ क्या है कि एक तरफ हमने कहा कि टीचर्स को मान लीजिए हम 7th पे कमीशन के हिसाब से आप सैलरी देंगे, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए कि आपको ये कैमरा लगाना है, ये सेफ्टी है, ये सिक्योरिटी है, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो व्हेन समबडी इज़ इन्वेस्टिंग मनी, तो ही और शी वुड लाइक टू हैव सम डिसेंट रिटर्न। तो डिसेंट रिटर्न के लिए आप कहाँ से आएगा? केवल फीस से आएगा। आपने फीस पे मान लीजिए अगर आप पाबंदी लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो विद द रिजल्ट कि ये नॉन वायबल बन जाता है, और इसीलिए मैल प्रैक्टिस आ जाती है। आपने कहा कि पुलिस, अगेन जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कोई अथाह फंड्स के या रेवेन्यू के जरिए नहीं है, उनके पास भी लिमिटेड पैसा है, रेवेन्यू के माध्यम से आता है। अगर वो सारा पैसा इसी तरह के काम में लगाते हैं, अपने जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी भर्ती करके, ये गवर्नमेंट सर्वेंट एक तो उस ज़माने में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी जब टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग नहीं करते थे। अब ये टेक्नोलॉजी, मान ली पहले जब चार लोग काम करते थे वो हो सकता है दो ही लोग काम कर सकें, तो इसलिए ये और प्लस उतना पैसा भी नहीं है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मिनिमम जिसके हम लोग बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कि कम से कम लोगों से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर का काम हम दे सकें, उनके वेलफेयर दे सकें। तो उसके लिए ये कोई जरूरी है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिसमैन रखें, हम ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर मान लीजिए सर्वेलेंस करनी है तो हम क्यों एक आदमी को ही लगाएं? व्हाई डोंट वी यूज़ द टेक्नोलॉजी। बात करना चाहता हूँ कि यू नो नए वोकेशंस की तरफ हमें देखना है, हमें ट्रेन करना है हमारे लेबर फोर्स को, ताकि ये नए वोकेशंस की तरफ वो जा सकें। इवन फ्रॉम स्कूल लेवल हमें एक चॉइस देनी चाहिए कि पीपल कैन गो टू अदर वोकेशंस, नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट यू नो, और कोई प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो लाइक फॉर एग्जांपल रिटेल जो है, रिटेल आपको क्लास 12 के बाद आपको बढ़िया जॉब्स दे सकते हैं उन बच्चों को। तो हमें नए वोकेशंस की तरफ, अग्रवाल साहब ने कहा टेक्नोलॉजी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब जब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आ जाएगा तो जॉब्स की कमी और हमें देखने को मिलेगा। तो हमें अभी से एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग करनी है कि कैसे हम नए वोकेशंस और नए एरियाज में जा सकते हैं। नए वोकेशंस की बात हो रही है, आप IIT से हैं, आप IAS हैं, तो आपने पूरे देश के बारे में आपको मालूम है, तो क्या लोग रेडी हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए? और अगर हम नए वोकेशंस की बात करें तो टूरिज्म है, 106 हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, तो क्यों नहीं हम उनको बढ़ावा देते? वहाँ पर इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, क्या ये सब चीज़ें सरकार में डिस्कस होती हैं? फाइनली होती क्यों नहीं है ये? अगेन मैं दोबारा इसमें आता हूँ कि एक तो पहली चीज़ है जितने बच्चे हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं। ये सोचना कि बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं, आई डू नॉट एग्री विद दैट। क्या होता कि अगर बच्चों को ये लगे कि मैंने कोई नई स्किल्स को एक्वायर किया और उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं, तो मेरा खर्चा भी हो गया स्किल्स को एक्वायर करने में, थोड़ा बहुत जो भी खर्चा हुआ प्लस एफर्ट लग गया और उसके बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, तो डिस्करेज हो जाते हैं। आइडिया ये होना चाहिए कि दैट वी मस्ट गिव देम एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्किल्स,
अच्छे से हम क्या करते हैं वही सिलाई कढ़ाई अचार लगाना, कितने बार आप अचार डाल देंगे, कितनी बार आप सिलाई कढ़ाई काम करें, जो अभी बात कर रहे थे अभी हम उनको स्किल्स दें द बेस्ट टेक्नोलॉजी में, वो मुश्किल काम नहीं है. दे डोंट हैव टू नो अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, उनको तो केवल अप्लाई करना उस टेक्नोलॉजी को टू लर्न अ न्यू स्किल, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट कि उन स्किल्स को जब उनके पास मिल जाते हैं तो वैसे कहाँ कहाँ पर जॉब्स हैं, और वो हम इंश्योर करेंगे जो भी आदमी स्किल हो जाएगा उसको हम जॉब दे देंगे. चलिए आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि आईटी इंडस्ट्री को हमने देखा था काफ़ी कंसेशंस मिले थे और फिर आईटी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो गया, भारत का नाम रोशन हो गया उसकी वजह से. क्या ऐसे कुछ और सनराइज सेक्टर्स हैं जहां पर इस बार बजट में फोकस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और वो ग्रो करे? मैं खुद आईटी में रहा हूं और उस जमाने में रहा हूं जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ था. आईटी में भी इसलिए हो गया क्योंकि हम उस क्रिटिकल टाइम पे वहाँ पे थे और हमारे लोगों में एक हुनर था, इंग्लिश थोड़ा जानते थे, आईटी के बारे में एक्सपोजर था. अब जो मुझे लगता है एक तो बिकॉज फार्मर्स डिस्ट्रेस है, रूरल एरिया में जॉब्स नहीं हैं, हमारा सारा फोकस होना चाहिए कि हम गांव में या छोटे टाउन्स में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट करें. और उसका सबसे बड़ा एक मेरे हिसाब से लगता है एक जरिया हो सकता है फूड प्रोसेसिंग. ऑलरेडी फूड अवेलेबल है, हम लोग करीब करीब 20-30% फूड वेस्ट कर देते हैं. आप टमाटर लगाएंगे तो 1/3 वेस्ट हो जाएगा, इवन गेहूँ वेस्ट हो जाएगा वहीं पे फार्म, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हमारे पास नहीं है और प्लस हमारे पास स्टोरेज का धंधा नहीं है, प्लस हम प्रोसेसिंग करते नहीं है, प्रोसेसिंग सारी टाउन में या दूर दूर होके होती है. अगर हम छोटे गुड क्वालिटी जिससे हम कम्पीट कर सकें विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन लोकल लेवल पर ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें और नॉन प्रिजर्वेटिव की तरफ ध्यान दें, इसमें कोई केमिकल वेमिकल ना, स्काई इज द लिमिट. एंड साथ में लॉजिस्टिक्स उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो होनी है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो आप कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे. फॉर एक्सपोर्ट अगर हम एग्री एक्सपोर्ट्स की तरफ दें तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है. बहुत सारे आयाम हैं, बस हमें देखना है और उन पर काम करना है. चलिए आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो आरबीआई ने तो अपना रेपो रेट कट करके एक तरह से चौका मार दिया है, अब बजट में फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा एक तरह से वित्त मंत्री को और बेरोजगारी को क्लीन बोल्ड करना होगा. अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कृषि का विस्तार कैसे किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलों को कैसे कम किया जाए. आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी. थैंक यू.